नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइन भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। फूलपुर थाना क्षेत्र के मुड़ियार गांव निवासी मुसरर ने पुलिस अधीक्षक को एक शिकायती प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई। सौंपे गए प्रार्थना पत्र में पीड़ित मुसरर ने आरोप लगाया कि उसके पति शराब के नशे में धुत होकर आए दिन गाली गलौज जो मारपीट करता है। इससे आज ही जाकर पीड़ित ने अपने ननियाल में रहती है। पीड़ित को ननियाल का मकान मिला है। पीड़ित के पति ने दबाव बनाकर उसका आधा मकान बेचवा दिया है। मकान में बचे हिस्से में किसी तरह से अपना गुजर बसर कर रही है। पीड़ित के पति और उनके भाई द्वारा आए दिन अनैतिक रूप दबाव बनाया जा रहा है कि वह मकान बेच दे। 27 जुलाई 2020 को पीड़ित के पति व पति के भाई ने कट्टे से लैस होकर अज्ञात व्यक्तियों के साथ आए और मारने पीटने लगे। पीड़ित के शोर मचाने पर मौके पर स्थानीय लोग एकत्र हो गए, जिसको देखकर उपरोक्त लोग मौके से फरार हो गए। जिसके बाद पीड़ित ने 28 जुलाई को फूलपुर कोतवाली में प्रार्थना पत्र दिया। पुलिस ने पीड़ित के पति व उनके भाई को लेकर आई, लेकिन पति के भाई को छोड़ दिया। अब पति के भाई पूरे परिवार को शिकायत वापस लेने व जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। पीड़ित ने बुधवार को एसपी से शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई कि पति को रोका नहीं गया तो कभी भी उसके साथ कोई अनहोनी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, अमित खैरवार। क्या नाम है आपका? मुसरर। कहाँ से आई हैं आप? फूलपुर से। क्या मामला है कि आप पुलिस अधीक्षक कार्यालय आई हैं? हमारे पति का मामला है। क्या हुआ है? पति का मामला है। क्या मामला है? वह जान माल का कावरे हमारे खतरा है, धमकी देते हैं मारे का जान। कौन धमकी देता? वही हमारे पति मोहम्मद गालिब। तो इसकी शिकायत आपने अपने नजदीकी थाने पे की थी? हाँ। तो क्या कहेंगे? कोतवाल साहब सुनाइए ना, कुछ की है ना हमारी। काहे आपको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं? बस वही हमारी प्रॉपर्टी बेचा है हमारे। क्यों? प्रॉपर्टी बेचा है कि उन्हें चाहिए पैसा। अच्छा, तो आपने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर आज ज्ञापन दिया? हाँ। अच्छा, आप क्या चाहते हैं? अब यह चाहिए था कि कावरे हमारा जान कावरे बचाए, कावरे हमारा उनके ओर से कार्रवाई करी जाए।